इस टाइम हम मार के तारा मच्छी वाला, ये जो फेमस है यहाँ पे। दोस्तों ये हमारी आ चुकी है तारा मच्छी और लोकी मच्छी। टिकट्स ले लिए हमने 3 टिकट। इस वीर का नाम है शिवा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसी अपनी एशियन फैमिली, होप करते बहुत ही अच्छी होंगी। फिलहाल अभी टाइम मैं दिखा दूँ, सामने टाइम देख रहे होंगे आप, 7:30 हो रहे हैं। आज सुबह से कहीं गए नहीं थे तो मैंने सोचा शाम का सैटरडे, वैसे भी आपको पता है सैटरडे को हम प्रेम नगर जाते हैं, तो अचानक से प्लान बन गया। वैसे प्लान था नहीं हमारा रुकने का, पर अचानक से बन गया। मैंने कहा चलो रुके आते हैं, सुबह कल इनकी ट्यूशन वगैरह भी नहीं है, कल छुट्टी है संडे वैसे भी, और स्कूल तो बंद ही रहता है। मैंने कहा चलो रुके आते हैं, रात को थोड़ी मस्ती वगैरह भी हो जाएगी, थोड़ा मिल भी लेंगे सबसे। और मौसम बहुत भयंकर बारिश हो रही है, आपने लास्ट व्लॉग भी देखा होगा मैंने कितनी बारिश हो रही है, उसमें कार का एक्सीडेंट भी दिखाया था, भयंकर काल पट्टी हुई थी। सब बारिश के चक्कर में हो रहा है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ पड़ रही, दिखता है नहीं, तो डिवाइडर में जाके लग जाती गाड़ी, और इनमें भी बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। क्या हुआ? माफी तो बोलती है रखने को। अच्छा, ये भी बस कह रहा है जल्दी जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं कर रहा है जब से। बस ये स्नेहा थोड़ा टाइम लगाती तैयार होने में, वही तैयार हो रही थी। आज भी हम गाड़ी वेंटो ले जा रहे हैं, रात हो रखी है, पूरी अंधेरा इस टाइम, वैसे भी 7:30 हो गए, अभी टाइम दिखाया था आपको, तो वेंटो ही लेकर जा रहे हैं। गाइस हम कार में आ गए हैं और स्नेहा गाड़ी चला रही है। इस टाइम ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, वैसे भी नॉर्मल ट्रैफिक है, बारिश इस टाइम रुकी हुई है, अभी हो नहीं रही बारिश, तो सुबह से कंटिन्यूस बारिश हो रही है, कल भी भयंकर बारिश दिखा रखी है, और कल और परसों दिखा रखी है, उसका तो क्लियर हो जाएगा मौसम, फिर ठीक आएगा, फिर कहीं ना कहीं जाएंगे अच्छा जगह कहीं एक्सप्लोर करने। ऐसी बारिश में कहीं जाके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि निकल तो पाएंगे नहीं, ना घूम पाएंगे, कुछ दिखा भी नहीं पाएंगे, इसलिए एक दो दिन का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद कहीं ना कहीं जाएंगे अच्छी जगह, यहाँ पर आपको दिखाएंगे कुछ नई जगह। चलिए फिर इसको चलाने देते गाड़ी, और जंगल पार करके इसे ले लेंगे गाड़ी, आज इसको टोल टैक्स पार करवाएंगे, खुद ही टोल टैक्स तक देता है, टोल टैक्स भी खुद ही पार करेगी। चलिए फिर और क्या, देख कुछ मत हो, अगर सही से नहीं चलाएगी ना गाड़ी, फिर आधे रास्ते में ले लूँगा गाड़ी पर। मैं ठीक ही चला रही हूँ। चला तो ठीक रही, पर कभी कभी अचानक से वो छोड़ देती हो क्लच, कभी कुछ छोड़ देती हो, झटके देती हो गाड़ी में, कभी तुम्हें टाइम लगेगा, इसलिए तुम्हें प्लेन बोर्ड पर चलवा रहा हूँ। जब इस पर एक्सपर्ट हो जाओगी तो उसके बाद फिर तुम्हें साइड वगैरह धीरे धीरे सीखोगे अपने आप ही, उसका फिर बैक करना सीखोगी, बस फिर सीख जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, गाड़ी तो मैं दूंगा नहीं किसी, सोचना भी मत, सिखा रहा हूँ तो यहीं चलाना लोकल, गाड़ी चलाने का मुझे शौक है, मैं चलाऊंगा गाड़ी, मैं गाड़ी चलाने के लिए जाता हूँ, तुम लोग सोते हुए जाना आराम, तुम्हारा सोने का वो है, तुम सोते जाना ना, अभी लंबे रोड पे तुम्हें अभी सोचना ही मत, इतनी दूर जा रहे हैं, कहीं कुछ हो गया वहाँ, वहाँ से आना मुश्किल है, वहाँ के जगह जगह का फर्क भी तो होता है, वो भी तो देखो, जगह जगह लोग अलग अलग टाइप की रोड चलाते हैं, यूपी में कितनी भयंकर गाड़ी चलाते हैं, कोई इधर से कुछ रह देता है, कोई इधर से कुछ रह देता है, कोई कहीं से कुछ रह देता है। क्या कह रहा है बोल, हाँ मैंने तब बोला तब सीख जाएगी अच्छे से, ये 7-सीटर की बात कर रहा है। एक्चुअली हम मैंने इसको कहा था एल काजर गाड़ी निकली है हुंडई की, वो लेने की, वो अच्छी गाड़ी लगती है, 7-सीटर है, पर सही है, मतलब एवरेज भी अच्छा है हुंडई की, मुझे पसंद आ रही है वो, मेरे लिए नहीं, वो हमारे लिए होगी, हमारे लिए तो इलेक्ट्रिक वाली, वो ट्रिप के लिए, वो तुम्हारे को तो ऑटोमेटिक गाड़ी दिलाऊंगा, वो भी वो इलेक्ट्रिक वाली, ताकि लोकल तुम्हारा आना जाना लगा रहे, जो भी इलेक्ट्रिक का जमाना गया लगा रह सकता है, पर मैं ऑटोमेटिक अलग ही दिला दूंगा, झंझट नहीं गियर उगुर का, क्योंकि पता है कि लड़कियां होपलेस हो जाती है, जैसे जब कहीं अचानक जाम लगे कुछ लगे, कुछ अच्छा ऑटोमेटिक रहेगी। मैं आपको दिखाऊंगी मेरे लिए कौन सी गाड़ी तैयार करी थी, पर मैं चलाऊंगी तैयार क्या करी थी, सही है वो इंडिगो है 2012 मॉडल, वो इतनी अच्छी गाड़ी चलती है, तो रफ एंड टफ के लिए गाड़ी ठीक है, उसी से लोग पुरानी गाड़ी से सीखते हैं, तुम हो जो पहले ही सीधा अच्छी गाड़ी से सीख रही हो, नहीं तो सब अल्टो से सीखते हैं, कोई मारुति से सीखता है, ऐसा ही है सब, वो पहले पुराने गाइस बताना आप कि सब कैसे सीखते हैं, ऑल्टो वगैरह ऐसे तो ना रखते हैं, वो सिखाने वाले ब्रेक मारो और हॉर्न दो, डर लगता है एंकर कभी कर दे काम ना, हॉर्न बजाती है ना कुछ करती, बताना पड़ता है इसे तो सब, मैं वही कह रहा था गाइस आपको पता होगा, सब पहले छोटी गाड़ी से सीखते हैं, जो रफ एंड टफ की रहती है, फूकनी होती है सब, ये वहाँ से सीधा मेरे का क्या, मेरे को तो अंकल ने सिखाई थी एक बार, एक दो बार उन्होंने लेके गए, तो उसके बाद मैं खुद ही सीख गया था चलाने, और मारुति से सीखता था 800 से, उस टाइम थी मारुति, ऐसा कुछ नहीं, इंडिगो भी थी, स्कॉर्पियो भी थी, तो वो नहीं थी ना, कौन सी सीखा था, तो ये भी तो नई गाड़ी अच्छी नहीं, है नहीं, पहले बताओ, मेरे को हो गया कम से कम 8-10 साल हो गए, तो उस टाइम इंडिगो और
अच्छी गाड़ी थी वो पुरानी गाड़ी थी तो उस टाइम तो नई थी ना, पर नई से तो नहीं सीखे ना, वही तो कहना चाह रहा हूँ, पुरानी से ही सीखते हैं सब, मोटिव तो वही है। तो नहीं थी ना वो, उस टाइम पे नहीं थी, पर इस टाइम पे ये नहीं है ना, तो ये तो करो पुरानी गाड़ी सीखो ना, अब वो इंडिगो पुरानी होगी है, झक मार देगी इसका कुछ नहीं। आपको पता है आप समझदार हो, मुझे इससे ज्यादा तो समझदार होंगे यार, मुझे पता है ये तो बेवकूफ लड़की है। अच्छा। इसको जो कह रहा हूँ समझ नहीं रही, पॉइंट बात वही कर रही है घूम फिर के, पर मानना नहीं चाह रही उस बात को। इसका मतलब फिर मुझे ये नहीं है, ये वैसे भी बोल सके नहीं गाड़ी, इसका कुछ भी कुछ, इसके तो पार्टी ट्रिपल ट्रिपल रेट में आते हैं। मॉडल छोड़ो, ये वैसे 2012 मॉडल है, 2012 तुमने भी सीखी तो मैंने उस टाइम सीखी थी अल्टो में, तो इस टाइम सीख रही हूँ इंडिगो में, तो बात वही है पुरानी गाड़ी है, ऐसे छक मारने दो। चलिए हम चलते हैं, बस ये जंगल आने वाला है, इस गाड़ी चलाएगी उसका मैं गाड़ी ले लूँगा। इस टाइम हम आ रखे हैं तारा मच्छी वाला, ये जो फेमस है यहाँ पे, न्यू एम्पायर सिनेमा है, इसके जस्ट गली में ही आ रखे हैं, यहाँ पे काफ़ी फेमस है, बहुत पुराना मच्छी वाला है, यहाँ से हमने मच्छी ली है जो 250 रुपये पाव देते हैं, वो पकौड़े जो मच्छी के होते हैं, मतलब काफ़ी फेमस है यहाँ का शुरू से। इनकी अभी एक और नई ब्रांच खुल रही है बगल में ही, तो ये मच्छी के पकौड़े आते हैं, वो टेस्ट कराते हैं कैसे है यहाँ पे। दोस्तों ये हमारी आ चुकी है तारा मच्छी ओल्लो की मच्छी, ये हमें 250 रुपये की पाव पड़ी, तो हमने 300 रुपये की राउंड फिगर में करा ली है। तो ये समुंदर वाली मच्छी है, ये लोकल मच्छी नहीं है, जो समुंदर में आती है जो सुरमई बोलते हैं इसे, वो मच्छी है। साथ में उन्होंने सैलड दे रखा है, काफ़ी बढ़िया है, साथ में नींबू है, हरी चटनी है। तो अभी इसे टेस्ट करेंगे, ये काफ़ी फेमस है तारा करके यहाँ पे पड़ता है, न्यू एम्पायर सिनेमा है उसी गली में पड़ता है, तो कभी भी कोई भी लोकल देख रहा है यहाँ पे तो आके जरूर ट्राई करिए। इनकी अब नई ब्रांच भी खुल रही है, बहुत सालों से पुराना है इनका, कभी मैं फूड ब्लॉग लेके आऊँगा स्पेशल, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, तंदूरी पॉम्फ्रेट वगैरह, वैसी पॉम्फ्रेट लेनी है, प्रॉन्स वगैरह सब है इनके पास, मतलब समुंदर में मिलता है हमें, मुझे पता नहीं था वैसे यहाँ पे भी वैसे मिल सकता है, कभी फूड ब्लॉग बनाऊँगा स्पेशल इस चीज़ का, तो वहाँ ट्राई करेंगे। इसे खा के देखते हैं, अच्छी है, ठीक है, टेस्ट अच्छा है। इस लौंडे को भी टेस्ट कराओ, ये क्या कहता है, ये मच्छी कम ही खाता है, पता नहीं इसे क्या दिक्कत है। हाँ सुरमई है बापू, खा के बताओ कैसी लगी आपको, ठीक है। ये मच्छी कम खाता है, इसे शौक नहीं है, पर मुझे बहुत शौक है, स्नेहा भी ठीक ठीक खा लेती है, तो अभी इसमें हम खाते हैं, इसे देख के बताते हैं कैसी लग रही है। ये हमने एक पीस ले लिया है, इसमें यहाँ की मछलियाँ थोड़ी नॉर्मल मीठी होती है, पर ये समुंदर वाली मच्छी थोड़ी खारी होगी वैसे, है ना, ये मीठापन नहीं है, तो सुरमई है ना, क्योंकि समुंदर की तो सॉल्ट पानी होता है ना वहाँ का, तो थोड़ी वैसी होती है, मतलब टेस्ट लेस, मतलब जैसे कहते हैं मीठा नहीं होता, पर इसमें पर अच्छी लग रही है, चटनी के साथ तो और मज़ा आ रहा है इसमें। चलिए इसे फिनिश करते हैं, फिर प्रेमनगर की तरफ चलते हैं, फिर घर चल के आपको सबसे मिलवाते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ का ब्यूटीफुल घंटा घर हमारा, तिरंगा शेप में, कितना प्यारा लगता है रात के टाइम में, और हल्की हल्की बरसात शुरू हो चुकी है, देख रहे होंगे शीशे में बूंदाबांदी, पर इसकी जो खूबसूरती है ना अलग ही लगती है, रात में मज़ा आता है इसे देखने में। यहाँ पे फवारा वगैरह भी चलता है, बरसात के चक्कर में बंद किया हुआ है, ये तो और अच्छा लगता है, यहाँ पे पूरे चारों तरफ फवारा चलता है, बहुत प्यारा लगता है रात में। दोस्तों हम घर पहुँच चुके हैं प्रेम नगर में, सबसे मिलवाता हूँ एक एक करके आपको, यहाँ क्या हो रहा है देखते हैं। ये है काजल हमारी, हेलो, और क्या हो रहा है काजल, ये सुमित है, इसका बर्थडे आने वाला है 2 दिन बाद, तो आप उसका बर्थडे का व्लॉग भी देखेंगे बहुत जल्दी। ये निमृत, तो बारिश बहुत तेज शुरू हो गई थी तो फटाफट पहुँच गए हम इसी तरह करके, इधर मम्मी और बैठे हुए हैं, अरे वंदना है इधर, वंदना को दिखाओ, माजन को दिखाओ, पूरे भीग गए थे, सब थोड़ा चेंज वगैरह करते हैं यहाँ पे, और फटाफट रेडी हो जाते हैं दोबारा से घर के कपड़ों में, काफ़ी गीले हो गए कपड़े हमारे, क्योंकि पार्किंग हमारी गाड़ी भी वहाँ लगानी होती है ग्राउंड में, मैंने काफ़ी बार दिखाया घर के सामने ही है, वहाँ से आने तक भीग ही गए हम पूरे, यहाँ से बंद खाना शुरू हो गया, देखो नहीं भूख खड़े, अब देखे ना अभी मच्छी पकौड़े खा के आ रखी है, उसके बाद इसका पेट नहीं भरा, अब ये बंद लेके शुरू हो गई है। ये निमृत के अंदर पावर आ गई है, ये अपने मामा से लड़ने में लगा हुआ है, ये सुमित से इसकी बनती नहीं बिल्कुल भी, ये देखो लो कैसे लड़ने में लगा हुआ है, यहाँ WWE शुरू हो चुकी है, लगता है इस मैच का फैसला नहीं होने वाला आज, ये जिंदगी भर चलता रहेगा अब। मुझे बीच में आ जाओ, तुम्हें पेल देंगे वो, देखा पेल दिया बीच में, रेफरी बनने की जरूरत नहीं है, रेफरी को भी पढ़ते रहे WWE में, पता नहीं तुम्हें क्या
रेफरी को ही बचा देते हैं, वही तुम्हारे साथ होगा। गई रेफरी, रेफरी तुम तो गई अब। मैं क्या करा रहा हूँ, तुम रेफरी बनने की बहुत शौक है ना, बनो फिर। देखिए सुबह सुबह का प्रेमनगर का जाम कितना बुरा हाल है, ये मेन प्रेमनगर का जाम है, इतना भयंकर जाम लगा हुआ है। 20 मिनट हो गए मैं यहीं पे खड़े खड़े, अभी घर से निकले थे, जस्ट निकलते ही जाम लग गया है। दोस्तों अभी हम निकल गए प्रेमनगर से, तो अभी मूवी देखने जा रहे हैं। आज बस में अलर्ट जारी किया हुआ है पूरा दिन भर, देख रहा हूँ मौसम फिर से वापस बदल रहा है। रात भर पूरी बारिश पड़ी है यहाँ पे प्रेमनगर में, पूरे देहरादून में पड़ी है वैसे तो, पर अभी सुबह थोड़ी देर के लिए रुकी थी, फिर बादल आ गए, थोड़ी सी धूप निकली थी बस एक झलक, उसके मतलब 15 मिनट रही होगी, उसके बाद तुरंत गायब, और फिर बादल आ गए थे सारे। तो सामने IMA का जाम है इस टाइम, IMA में खड़े हैं, यहाँ क्रॉसिंग करते हैं, मैंने काफ़ी बार दिखाया भी है वीडियो में। तो अभी हम पिक्चर देखने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र जो निकली थी, फिर मैं टाइम ही नहीं लगा जाने का, तो बच्चों के मतलब की भी कद्दू है हमारे साथ, ये भी देखा है, इसको पावर वाली पिक्चरें बहुत पसंद है, सुपर हीरो वाली, तो इसके मतलब की पिक्चर है, तो बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए, है ना निमृत, मज़ा आएगा ना। तो हम सिल्वर सिटी जा रहे हैं, वहीं पे पिक्चर हमारा शो है सवा 1 बजे का, ऑलरेडी 12:30 ऊपर हो गए, 12:40 हो गए हैं, तो बस हमें आधा घंटा लगेगा यहाँ से पहुँचने में, टाइम पे पहुँच जाएंगे, फटाफट शो देखेंगे, फिर बताएंगे आपको रिव्यू कैसा है पिक्चर। वैसे 78% जा रही है इस टाइम, पर ठीक जा रही है, फिर भी इतनी बुरी भी नहीं जा रही, बाकी स्टोरी वगैरह हम देख के बताएंगे आपको, रिव्यू करेंगे कैसी लगी पिक्चर कैसी नहीं। चलिए फिर चलते हैं। दोस्तों हम पहुँच गए हैं सिल्वर सिटी की बैक साइड में, जहाँ RTO की पार्किंग लगती है, एक्चुअली हम इधर ही लगाते हैं, इस टाइम संडे है तो खाली रहता है, थोड़े बहुत पैसे बचाते रहते हैं पार्किंग वगैरह के। वैसे ही बैक साइड है, यहाँ से ऊपर चढ़ के जाएंगे हम, यहाँ गाड़ी लगा दी हमने पूरा खाली, आज यहाँ पर आगे RTO है पूरा, तो यहाँ से ऊपर चढ़ के चढ़ते हैं। चलिए टिकट लेते हैं पहले, तो टिकट्स ले लिए हमने 3 टिकट, और ये खड़े हैं यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, इतनी सारी मूवीज़ लगी हुई है, पिक्चर भी आने वाली है, बहुत बढ़िया होने वाली है। चलो दोस्तों हमने पिक्चर देख ली है, अभी भी थिएटर से बाहर आए हैं, मजा आ गया पिक्चर देख के, बॉलीवुड भी ऐसी पिक्चर बना सकती है, सोचा नहीं था। कैसी लगी गुंजन पिक्चर? बहुत अच्छी है ना, एकदम हॉलीवुड की तरह बनाते हैं ना, हाई लेवल की पिक्चर, पहली पिक्चर है जो ऐसी बनाई है ना निमृत, इसको तो मजा आ गया होगा देख के ना, सुपर हीरो वाली मूवी, पूरी पिक्चर देखी सर ध्यान से। वैसे गाइस 2.5 घंटे की मूवी थी, इतनी लंबी थी पर पता नहीं चला, इतना अच्छा इंटरेस्ट बना हुआ था, और स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है, और जो एनिमेशन यूज करी है वो हाई लेवल की करी है, मतलब अब लगा कि हाँ बॉलीवुड कुछ बनाई है बॉलीवुड ने, जैसे हॉलीवुड वाले बनाते हैं मार्वल की, खासकर मार्वल की मूवीज वगैरह आती है, सेम वैसी लगी, और स्टोरी लाइन बहुत अच्छी। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, वो भी जरूर देखेंगे, अब देखते कब आता है, पर मज़ा आ गया पिक्चर देख के, पूरा पैसा वसूल मूवी है। शुरू में लग रहा था कि पता नहीं रिव्यू देख के अच्छी होगी नहीं होगी, लोग कह रहे थे इतनी अच्छी नहीं है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है, जिन्होंने नहीं देखी अभी भी जाके देख लें, अभी भी लगी हुई थिएटर में, मेरे ख्याल से अभी दशहरे के बाद तक लगी रहेगी, क्योंकि दशहरे का इसमें दिखा रहा है काफ़ी कुछ प्रोग्राम ना सीन, तो उसके बाद तक ये रखी रहेंगे, अभी तो काफ़ी टाइम रहेगी। अच्छी जा रही है पिक्चर, 70-80% के बीच में जा रही है पिक्चर, पर स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, आप जाके देखिए जिसने नहीं देखी जरूर। बाकी अभी यहाँ से हम घर की तरफ निकल रहे हैं वापस, अब डोई वाला वहाँ चलते हैं, फिर चलते हैं घर पर मिलते हैं। दोस्तों हम घर पहुँच गए थे, अभी रास्ते में गुरुद्वारे भी गए थे, आज मस्या थी तो हम वहाँ पर मत्था टेक के आए, तो फाइनली घर पहुँच गए हैं। तो करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, बाकी पिक्चर बहुत अच्छी थी हमारी, मज़ा आ गया देख के, और ऐसी पिक्चर और इंतज़ार कर रहा हूँ कब निकले उसका Part 2, वो देखने के लिए एकदम बेचैन हूँ मैं, अब लगेंगे 2-3 साल जब भी निकलेगी। तो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे, अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता शेयर भी कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, टिल देन फेयरवेल माय फ्रेंड्स, बाय बाय।